हेलो एंड वेलकम बैक टू मॉम्स मैजिक बाय अंजना। तो त्योहारों का सीज़न आ गया है, अभी आ रही है गणेश चतुर्थी, साथ में फिर आएगा आपका नवरात्रि, दिवाली, लाइन से त्यौहार आने शुरू होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक ऐसी मिठाई की रेसिपी शेयर की जाए जो कि बहुत ही ज़्यादा आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। घर के कुछ सामान से आप बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी सी बर्फ़ी। बर्फ़ी सभी का फेवरेट होता है और इस बर्फ़ी को बनाना ना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मतलब कुछ सामान से आप बिना मावा, खोया, दूध के ये बर्फ़ी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बनाने के लिए आपको पैन चढ़ाना है और देखिए यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है। पैन में हम लेंगे आधा कप के करीब घी। आप घी ले सकते हैं या फिर अनफ्लेवर्ड रिफाइंड ऑयल, बेटर रहेगा कि आप घी का यूज़ करें। इसमें हमने डाल दिया है एक कप के करीब मैदा। तो अब एक कप के करीब मैदा को जो है हमें भुनना है, तो चलाते हुए इसे हम भुनेंगे। आपको कॉन्स्टेंटली मैदा को तब तक भुनना है जब तक कि, पहले तो क्या होगा कि ये जो मैदा है ना सारा घी एब्जॉर्ब कर लेगा, बाद में आपको तब तक भुनना है जब तक कि ये घी ना रिलीज़ कर दे। तो इसे हम चलाते हुए भुनेंगे। अभी तो आपको शुरू में दिख रहा कि ये देखिए सारा घी जो है इसने सोक कर लिया, देखिए कैसा क्रम्बल सा हो गया है, ये टेक्सचर आएगा। फिर इसके बाद भी अभी तो बिल्कुल भी नहीं भुना है, मैं आपको दिखाती हूँ। चलाते चलाते हम भुनते जा रहे हैं साथ में और मैं आपको बताती भी जा रही हूँ कि कैसा ये दिखने वाला है। तो देखिए इस तरीके से चलाते चलाते हमने भुना और आप देख सकते हैं कि ये देखिए जब चलाते चलाते भुनने लगे तो धीरे धीरे जो है ये तेल रिलीज़ करना शुरू कर रहा है, मतलब घी इसने छोड़ना शुरू कर दिया। ये देखिए मैंने बहुत ही जूम इन करके आपको दिखाया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसको चलाते हुए हमने भून लिया, अभी भी जो है ये प्रॉपरली घी नहीं रिलीज़ करा है, अभी इसमें और ये रिलीज़ करेगा। तो ये देखिए इस तरीके से चलाते हुए आप इसे भुनिए और इसे भुनने में आपको टाइम तो लगेगा, मतलब यही एक मेहनत का काम है कि यहाँ पे ये प्रोसेस जो है ना चलाते हुए भुनना, बस यही मेहनत है, उसके बाद तो बहुत ही आसान है। देखिए धीरे धीरे जो है ये और छोड़ दिया घी, ये आप देख रहे हैं मिक्सचर लिक्विडी सा हो गया, ये देखिए और पतला होगा मिक्सचर, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसमें बहुत ही सोंधी से स्मेल आएगी, कलर भी आप देख सकते हैं मिक्सचर का कैसा चेंज सा हो गया, और आप देखिए इसका टेक्सचर एकदम लग रहा है ना मावा जैसा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये मिठाई। एक बार बनने दीजिए, बहुत ही ज़्यादा मेल्टिंग माउथ इसका टेस्ट होता है। तो ये देखिए थोड़ा सा और चलाते हुए भून लेते हैं और बिल्कुल जब ऐसा टेक्सचर हो जाए ना तो बस गैस को बंद कर दीजिए, लिक्विडी सा टेक्सचर। अब देखिए एक कप के करीब मैंने चीनी का पाउडर लिया है, बारीक पिसी हुई चीनी का पाउडर। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर, मिक्स कर लेंगे। और अब क्या करेंगे, वो जो मिक्सचर हमने उतारा ना गैस पे से, उसे जो है हल्का सा नॉर्मल होने देंगे, और जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए ना तब जाके जो है इसमें हम चीनी और जो इलायची पाउडर मिक्स किया है ना वो मिक्सचर इसमें डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे तुरंत। आप इसको मिक्सचर को डालिए और मिक्स कर लीजिए, इसे मिक्स कर लेंगे और ये एक डो की तरह सब बन जाएगा। तो देखिए इसको अच्छी तरीके से हम चलाएंगे और ये देखिए मिक्स कर लेने के बाद ये देखिए ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा, एक जगह इकट्ठा होने लगेगा मिक्सचर। तो बस जब ये मिक्सचर एक जगह इकट्ठा होने लगे तो एक काम करिए, आप ग्रीस कर लीजिए कोई भी, अगर मतलब टिन हो आपके पास, बर्फ़ी वाला ट्रे हो, प्लेट हो, थाली हो, जिसमें भी आपको जमाने का है, तो उसे ना एक बार घी से ग्रीस कर लीजिएगा, घी ऑयल कुछ भी लगा कर ग्रीस कर लीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ पे बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर ग्लास ट्रे हो तो उसमें भी आप जमा सकते हैं। तो देखिए मेरे पास एक ग्लास ट्रे था जिसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है फॉर सेफ्टी, कि ये आसानी से निकल जाए। वैसे ये ग्लास ट्रे में अगर मैं डायरेक्ट घी लगा के भी करती तो भी निकल जाता। तो देखिए इसमें हम डाल देंगे पूरा मिक्सचर ये, और मिक्सचर डाल लेने के बाद जो है हमें क्या करना है, इसको इवनली स्प्रेड कर देना है। तो देखिए इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे और ये देखिए हमने इसमें स्प्रेड कर लिया है। अब क्या करेंगे, आपको जो है ना इसे रेफ्रिजरेटर में रख देना है आराम से, 4 से 5 घंटे तक सेट होने दीजिए। तो 4 से 5 घंटे इसे रेफ्रिजरेटर में रखिए, आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, मैं 4 से 5 घंटे बाद आपको दिखाती हूँ। तो चलिए इसे हम रख देते हैं इसको रेफ्रिजरेटर में, उसके बाद आपसे मिलेंगे। ये देखिए 3-4 घंटे हो चुके हैं और उसके बाद जो है मैंने बटर पेपर निकाल दिया था, अब इसे हम पलट लेते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये ट्रे को छोड़ देगा और देखिए ये हमारा रेडी है। बस अब क्या करेंगे, सेट भी बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है और इसे कट कर लेते हैं स्क्वायर पीसेस में। तो ये देखिए मेरे कट करने से आपको समझ में आ रहा होगा बर्फ़ी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है, बहुत ही ईजिली कट हो जाएगा
और ये देखिए स्क्वायर पीसेस में मैं कुछ इतने बड़े बड़े साइज़ के कट कर रही हूँ। आप चाहें तो पतले पतले लंबे लंबे कट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे काइट के शेप में कट कर सकते हैं, जैसे काजू कतली होती है वैसा। चॉइस आपका है, आपको कैसे कट करना है डिपेंड्स अपॉन यू। तो देखा आपने, हो गया ना आसान बर्फ़ी बनाना बिना मावा, खोया और दूध के। बहुत ही आसानी से आप घर पे मज़ेदार टेस्टी मेल्टिंग माउथ बर्फ़ी बना सकते हैं इस फेस्टिवल के लिए। तो इस रेसिपी को शेयर करिएगा, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।